हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स सीरीज में हम लोग क्लास 12th के लिए लेक्चर लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हेयर वी गो। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो पेपर होने वाला है आज का, मतलब आज जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम CBSE 2020 एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली रीजन। ठीक है। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से। 2020 में जो एग्जाम हुए थे ना CBSE के, उन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे बच्चों, है ना। अगर आपको ध्यान हो, जिन्होंने PYQs देखे हों तो उनको पता होगा कि 2020 के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी CBSE के जो क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए भी, यानी 21 में जिनका एग्जाम होने वाला है। सो देयर फोर आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस फॉर यू एज वेल। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये तो फिलहाल मेरी बुक्स दिख रही हैं, जिनके कुछ फ्री PDF चैप्टर के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप उन लिंक पे क्लिक करके उन चैप्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पर आज की क्लास फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेयर वी गो विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, सेक्शन ए, यहां पर टोटल 20 क्वेश्चन एक्चुअली होते हैं, जो कि 1 मार्कर होते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम यहां पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं और फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर इंस्ट्रक्शंस पे भी आप एक बार फोकस कर लो, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस हैं, दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में, यानी MCQ टाइप वाले क्वेश्चन में तुक्का मार देते हैं। अरे भाई, तुक्का मारोगे तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वैसे बताना मुझे कमेंट करके कि आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर आपके पास ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं। एनीवे, सो फिलहाल एक्चुअली आपको एश्योर होना चाहिए ना कि आपका जो भी सॉल्यूशन है ना, वो बिल्कुल ठीक है और आपके 1 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं। तुक्काबाजी मत किया करो बच्चों, सॉल्व किया करो। चलिए फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। तो हमें क्या बोला गया है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे दी है, ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 इंटू आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू पता करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर ना एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडज्वाइंट से आप मल्टीप्लाई करें, जाहिर सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो अगर यहाँ पर इसे आप इस तरीके से भी लिख दें, यानी कॉमुटेटिविटी भी फॉलो आप करके दिखा दो, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू यूनिट मैट्रिक्स। इस यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है बच्चों। तो ये तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चीज़ को अगर मैं इसके इक्वल रख दूं, तो आप अपने क्वेश्चन में जाके देखो, आप अपने क्वेश्चन में जाकर देखो, इस चीज़ को कंपेयर करो। ठीक है, तो यहां से जैसे ही कंपैरिजन करेंगे, यू कैन कंक्लूड कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली, तो 10 मिल गई बच्चों। ठीक है ना, बात समझ आई। ठीक है, अब यहां पर फाइनली आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर n-1। एन क्या होता है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। यहां पर ऑर्डर आपको गिवन है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, तो इसकी पावर हम 3 लगा देंगे, यानी n-1, यानी 3-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अपने गिवन ऑप्शंस में एक बार देख लो और मुझे बताओ कौन से वाला सही हुआ। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 1 तो हुआ, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक। तो यहां पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ऑर्डर 3x3 का, और ये भी आपको दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 8। तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। देखो बच्चों, यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, देखो के इंटू मैट्रिक्स ए, के कोई भी रियल नंबर है, तो यहां पर हम लिखते हैं के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए,
और n क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर अपने क्वेश्चन में वापस लौटो, तो आपके क्वेश्चन में था 3 times मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो यहां पर 3 की पावर n, n यानी ऑर्डर, तो ऑर्डर तो आपके क्वेश्चन में गिवन है 3/3, समझे, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या बना भाई 3 की पावर 3 यानी 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 8 गिवन है, ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा 56, कैरी 5 8 2 जा 16 एंड 5 यानी 21, 216 यानी ऑप्शन डी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या है आप लोगों के लिए, तो ये रहा जी क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है बच्चों, पढ़ो ध्यान से, यहां पर आपको ना y की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू दे दी है और आपसे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी गई है, यानी x के रेस्पेक्ट में y का डबल डेरिवेटिव, तो चलो जी काम शुरू कर लेते हैं, सिंपल सी कहानी, हम यहां dy अपॉन dx निकाल लेते हैं जरा, तो dy अपॉन dx निकालोगे, a कांस्टेंट है, e की पावर 5x का सेम, पावर में से 5x का डेरिवेटिव करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस b, ठीक है, e की पावर -5x का सेम और पावर में से करोगे तो -5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यहां से सबसे पहले ना 5 कॉमन ले लो, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन भैया पैटर्न समझो, ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई चीज कॉमन आ गई है तो पहले उसे कॉमन लो उसके बाद आगे बढ़ो। अब अगेन डिफरेंशिएशन हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx2, ठीक है, ये तो 5 बाहर, ब्रैकेट में चलते हैं, a e की पावर 5x इंटू 5 माइनस बी e की पावर -5x इंटू -5 एंड क्लोज द ब्रैकेट। अभी पूरे ब्रैकेट में से फिर से 5 कॉमन आएगा, तो बाहर एक 5 पहले से ही प्रेजेंट है ना, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चों, तो दे विल बी 25 और अंदर मिलेगा a इंटू e की पावर ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, तो प्लस बी e की पावर -5x। अब एक बार अपने क्वेश्चन में गिवन y की वैल्यू पे फोकस करो, ये देखो y की वैल्यू, ठीक है, ये जो भी y की वैल्यू तुम्हें दिख रही है ना, यही तो तुम्हारे डबल डेरिवेटिव में तुम्हें मिला है बच्चों, समझे, तो यहां पर लिख दो 25y, बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है, तो बस इसके साथ आप कौन सा ऑप्शन देख रहे हो, तो ऑप्शन ए सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 4 इंटीग्रेशन के ऊपर है, तो यहां पर कैसे करना है बच्चों, तो यहां पर बेटा इस एक्स स्क्वायर पे फोकस करो और इस एक्स क्यूब पे फोकस करो, तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसे मैं तो कहूं कि e की पावर एक्स क्यूब इस पूरे को ही सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर इसका तो डेरिवेटिव सेम रहेगा, पावर में से करोगे एक्स क्यूब का 3x2, ये dx, नाउ दैट इज इक्वल टू dt, तो यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं x2 into e to the power x3 dx, now that is equal to dt upon 3, ठीक है, तो यहां से आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, योर इंटीग्रल दैट इज x2 into e to the power x3 dx, now that will be dt/3, यानी 1/3 dt, ऐसे लिख दें कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये 1/3 into t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब t की वैल्यू क्या थी, तो e टू द पावर x3, ये रहा जी आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन देखो भाई 1/3 e टू द पावर x3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पहला ही ऑप्शन यहां पर सही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या है बच्चों, तो हेयर वी गो क्वेश्चन 5, तो यहां पर क्या बोला गया है कि इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हमको पता ही नहीं होगा, एनीवे वेक्टर में सबसे पहले यही सब चीजें तो सिखाई जाती हैं, वैसे मुझे याद आया कि मैंने वेक्टर एलजेब्रा के लिए आप लोगों का मैंने वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना, हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए। चलिए फिलहाल क्वेश्चन में वापस लौटते हैं, तो ये आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन में मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं, यही बात इस क्वेश्चन में लिखी गई है।
तो हमें बताना है इसमें से कौन से वाला सही होगा। देखो इतना तो आप समझो कि आई डॉट जे कैप ये तो सही हो नहीं सकता, ठीक है। ये बी वाला भी सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और आरएचएस में वन मिला हुआ है जो कि एक स्केलर नंबर है। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, तो ऑप्शन ए और बी तो गए तेल लेने, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन डी बचा। जैसे मैंने ऑप्शन बी को कैंसल आउट किया कि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलना चाहिए था, तो इसी लॉजिक के बेस पे हम ऑप्शन डी को भी रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहां पर भी आरएचएस में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बच कौन सा गया, तो ऑप्शन सी बच गया। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखिए आई कैप डॉट के कैप क्या बनेगा भाई, देखो इस तरीके से बनेगा ना, ठीक है। अच्छा आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल क्या बना, तो पाई बाय टू बना। तो ये रहा जी आपका फॉर्मूला, ये वन और कॉस 90 यानी जीरो, तो फाइनली आंसर जीरो आ गया। तो जीरो अगर आंसर आया तो यहां से एक बार ऑप्शन देख लो ना, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम वेक्टर। तो यहां पर क्या बोला हुआ है पढ़ते हैं जी, ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, अच्छी बात है, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे। अच्छा बच्चों रॉम्बस के डायगोनल के इंटरसेक्शन से ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी बनती है, वो प्रॉपर्टी जरा रिकॉल करो तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ सॉल्यूशन आपको इलस्ट्रेट करने के लिए। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखो भाई ये बनाया मैंने आपका रोम्बस, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रोम्बस बन गया लगभग, ठीक है। यहाँ पर आप इसे ए बी सी डी ऐसे नेम कर दो, ये रहे जी आपके डायगनल्स। एक सेकेंड, ये पॉइंट बी से मिलना चाहिए, तो ये रहा जी आपका एक डायगनल और ये रहा जी आपका दूसरे वाला डायगनल, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। अब मैंने बोला कि डायगनल के बारे में ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अब वो प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर ये ना ए ई विल बी इक्वल टू ई सी होगा एंड ई डी विल बी इक्वल टू ई बी होगा, समझे। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा और सुनना ध्यान से। यहां पर अगर मैं डायरेक्शन देने लगूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ई से ए की तरफ, फिर ई से बी की तरफ, ई से सी की तरफ और ई से डी की तरफ, तो यहां पर क्या होगा बच्चों। देखिए अगर मैं ये ई ए वैक्टर देखूं और ये ई सी वैक्टर देखूं, दोनों का ना मैग्नीट्यूड सेम होगा जैसे कि मैंने यहां बताया, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स होने वाले हैं। यानी बच्चों यहां से क्या होगा कि ई ए वेक्टर जो भी होगा उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, ई सी वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल होगा, क्योंकि दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा यहां से कंक्लूजन क्या मिलेगा, यहां से कंक्लूजन मिलेगा कि ई ए प्लस ई सी विल बी इक्वल टू नल वेक्टर। सिमिलरली सिमिलरली यहां से आप कंक्लूजन क्या ले सकते हैं कि आपका ई बी वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डी वेक्टर, ठीक है। अगेन यहां से कंक्लूजन क्या होगा कि ई बी वेक्टर प्लस, एक सेकेंड, ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर नाउ दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों रिजल्ट जो आपको मिले हैं ना, यानी ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इन दोनों को ना आप फट देनी ऐड कर दो। जैसे ही आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई बी प्लस वेक्टर ई सी प्लस वेक्टर ई डी नाउ दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर, यानी नल वेक्टर ही रह जाएगा। तो यहां से पहला ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। तो क्वेश्चन सेवन क्या है आप लोगों के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है एंड दीज लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहां पर एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला जो कंसेप्ट होगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में से वो डिलीट हो गया है फॉर द सेशन 2020-21। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, ये वाला कंसेप्ट डिलीट हो गया है आप लोगों के लिए। लेकिन बच्चों क्या दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने वाला कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, याद है कि नहीं, वेक्टर एलजेब्रा
अगर आपको ध्यान हो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने वाला कंसेप्ट, ये तो आपके सिलेबस में है। तो जब लाइंस के बीच में एंगल निकालते हैं तो बेसिकली उन लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर होते हैं ना उनके बीच में एंगल निकालते हैं। तो मोर और लेस ये वाला क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसका रिलेटेड कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर रिलेटेड कंसेप्ट, इससे जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्ट है वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो चलो यूज कर लो, सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम दोनों लाइन की इक्वेशन से इनके जो भी पैरेलल वेक्टर बनेंगे उनको लिख लेंगे और उनके बीच में एंगल पाई बाय टू, यानी क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा, लाइंस परपेंडिकुलर, तो इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे। तो हम यही वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर टॉपिक से। तो पहले वाले लाइन में से अगर मैं पैरेलल वेक्टर लिखना चाहूं तो यहां पर आपको डायरेक्शन रेशोज क्या दिख रहे हैं बेटा, यहां पर डायरेक्शन रेशोज क्या दिख रहे होंगे, 1 1, और यहां 4-z है ना, तो इसे z माइनस 4 लिखोगे तो नीचे माइनस k हो जाएगा, समझे। अच्छा, इस वाले में डायरेक्शन रेशोज यहां पर k 2 एंड -2, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के लिए अगर आप वेक्टर v1 लिखोगे तो दिस विल बी i कैप प्लस j कैप माइनस k टाइम्स k कैप, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वेक्टर v2 लिखो सेकेंड लाइन के लिए, तो k i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइंस क्या है, लाइंस क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहां से ये जो b1 वेक्टर है दिस विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू b2 एंड देयरफॉर b1 का डॉट विद b2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो जी इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं यहां पर, तो स्टार्ट हो जाओ। तो यहां पर क्या बनेगा, आई कैप का कोफिशियंट दोनों में से देख लो, इनफैक्ट पहले मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं इस चीज को, ये लो जी इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है इसके साथ, ठीक है, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो जी कैलकुलेट करो फटाफट, तो यहां से 1 और यहां से k, यानी 1 × k प्लस यहां से 1 और यहां से 2, ठीक है, और यहां से माइनस k, ये k × k कैप है, ठीक है, तो माइनस k और यहां से माइनस 2, इस तरीके से, ये पूरा 0 के इक्वल। तो यहां पर ये बनेगा 2k और ये 1k, यानी 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली k विल बी -2/3, ठीक है ना बच्चों। यहां से एक बार चेक करो, -2/3 यानी ऑप्शन ए में ये आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 7 ये भी डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर क्या बोला गया है, पढ़ो ध्यान से, हमें बोला गया है द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होगा, अपने ऑप्शंस को देख लो, इन ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई क्या होने वाला है। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में बोला हुआ है कि हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, भाई ग्राफ बना ही लो इसका, एक काम करो ये आपका 2x + 3y = 6, इसको कंसिडर करो, ये अपना रफली ग्राफ जैसा भी आप बना सकते हो, ठीक है। यहां पर अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 3y = 6, यानी 2 आ जाएगा यहां पर, ये रहा 2, ठीक है। ऐसे ही अगर y 0 आप डालेंगे तो 2x = 6, यानी x की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी भाई, x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर कहीं 3, तो इस तरीके से अब ये जो लाइन बनने वाला है ना यहां पर, ये डॉटेड बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है उसको देख लो ध्यान से, इनइक्वालिटी कैसी गिवन है, यहाँ पर इक्वल का साइन कहीं नहीं है ना, ठीक है, इसलिए हमें डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा। अब इसका हमें शेडिंग करना है, तो शेडिंग करने के लिए अगर हम टेस्टिंग पॉइंट 0,0 डाल के देखें अपनी इनइक्वालिटी में, तो 2 × 0 + 3 × 0 > 6, यानी 0 > 6, यानी ये कंडीशन बनेगी फॉल्स, यानी ओरिजिन वाला जो टेस्टिंग पॉइंट हमने लिया इससे अवे हमें शेडिंग करनी है, यानी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपकी शेडिंग हो जाएगी। तो यहां पर इसने बोला हुआ है ऑप्शन ए में कि इसका जो भी ग्राफ आएगा दैट विल बी अ हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ओरिजिन, भाई नहीं, ये देखो ग्राफ इधर है, दिख रहा है आपको ग्राफ किधर है, इस साइड में आपका ग्राफ है और इस साइड में जो भी आपको ग्राफ दिख रहा है तो इस साइड में ओरिजिन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन्स द ओरिजन नोर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन 2x + 3y = 6, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही इसलिए है कि यहां पर देखो ओरिजन तो इंक्लूड नहीं है, यही बात हमारे क्वेश्चन में भी कहा गया है, यहां पर देखो
नीदर कंटेन्स द ओरिजन। अच्छा एक और बात, ये जो डॉटेड लाइन हमने यहां पर बनाया ना, तो इस डॉटेड लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो पॉइंट्स बेसिकली 2x plus 3y equal to 6 इस लाइन के ऊपर तो होंगे, लेकिन हमारे फिजिबल रीजन यानी शेडेड रीजन का हिस्सा नहीं होंगे। तो यही बात तो इसने भी कही है ना, नोट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। तो बस ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बस जी काम खत्म क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का है। तो पढ़ते हैं जरा क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है। अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड। देखो बच्चों सबसे पहले यहां पर ना इवेंट्स एज्यूम कर लो। एक इवेंट ए ले लो कि जो भी कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, द कार्ड इज अ स्पेड कार्ड, ठीक है। और एक इवेंट बी ले लेंगे कि द कार्ड इज क्वीन, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं बच्चों प्लेइंग कार्ड में, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स कितने होंगे? एक सेकेंड, स्पेड की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? यस, तो नंबर ऑफ स्पेड्स 13 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वीन 4, ठीक है। लेकिन इन सभी 4 क्वींस में से एक क्वीन ऐसी होगी, यानी वन क्वीन इज ऑफ स्पेड, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि n ऑफ a, तो ये तो बना 13। अगर मैं कहूं n ऑफ b, तो ये तो बना 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो ये कितना बनेगा बच्चों? तो ये 1 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्वीन है जो कि स्पेड में से आएगा। बात समझ आ रही है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है p ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो ये रहा जी आपका फॉर्मूला, बात समझ आ रही है। तो बस यहां पर वैल्यू पुट करो, तो 1 यानी a इंटरसेक्शन b में आपको टोटल 1 आउटकम दिख रहे हैं, एंड आउट ऑफ 52, क्योंकि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, और ये 4 अपॉन 52 सॉल्व करो तो ये 1/4 मिल जाएगा। तो 1/4 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है एक बार देखो, तो ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, वेल ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार आपने थ्रो किया। लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3 एंड बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। अब सुनना, यहां पर सेट ए अगर लिखोगे, इनफैक्ट इवेंट ए अगर लिखोगे, तो यहां पर नंबर ग्रेटर देन 3 यानी 4, 5 एंड 6। ऐसे ही इवेंट बी लिखोगे तो यहां पर नंबर इज लेस देन 5 यानी 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से यहां पर ए इंटरसेक्शन बी ये क्या मिलेगा, यानी दोनों में कॉमन अगर आप देखें ध्यान से तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है डाई को एक बार आपने थ्रो किया है, तो सैंपल स्पेस अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पी ऑफ ए का मतलब ये देखो 3/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इवेंट ए में देखो 3 आउटकम्स हैं, ठीक है। ऐसे ही पी ऑफ बी ये बनेगा आपका 4/6 माइनस ये बनेगा 1/6। ये नीचे 6 क्यों आया, क्योंकि सैंपल स्पेस में चेक करो टोटल कितने यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3+4 यानी 7 माइनस 1 यानी 6/6 यानी 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपने गिवन ऑप्शंस में एक बार चेक करो और आपका ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन 10 के लिए, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 में देखते हैं यहां पर क्या है। तो यहां पर बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 11 to 15। तो 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड, अब यहां ब्लैंक है, रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कोई भी सेट ए है उसका हर एलिमेंट अपने ही साथ रिलेट होना चाहिए। यानी देखो अगर आपको कंडीशन ध्यान हो, हम क्या बोलते हैं, a, a belonging to the relation R,
फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए। तो इस कंडीशन में ये जो एलिमेंट ए सेट ए में से आया है ये अपने ही साथ रिलेट हो गया है अंडर द रिलेशन आर। तो इस केस में हम आर को क्या बोलते हैं बच्चों, तो हम आर को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो आपके ब्लैंक में रिफ्लेक्सिव फिल हो जाएगा। अगर आप यहां पर सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं होगा, तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो इटसेल्फ लिखा है ना, इसके आगे अगर इटसेल्फ ओनली हो जाए तब इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता था, बट फिलहाल ऐसा नहीं है ना, तो बस आपका आंसर होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना, देखिए क्या होता है ना, अगर मैं कोई रिलेशन लिखूं, सपोज सेट ए मैंने लिखा, यहां पर मान लो आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो अगर मैंने कोई रिलेशन लिखा जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, देखो अभी तक अगर ऐसा है ना, तो इस समय ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। लेकिन अगर सपोज मैं एक और रिलेशन लिखूं आर डैश, यहां मैंने किया 1, 1, 2, 2, 3, 3, एंड सपोज एक और एलिमेंट लिख दिया 1, 2, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखो इस वाले को मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये वाला जो रिलेशन है दिस इज आइडेंटिटी प्लस रिफ्लेक्सिव, यानी ये वाला रिलेशन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, आइडेंटिटी की कंडीशन एंड रिफ्लेक्सिव की भी कंडीशन। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है कि सेट ए के ऊपर अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है तो सेट ए का एलिमेंट अपने ही साथ एसोसिएट होना चाहिए, ओनली अपने साथ एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में भाई अपने साथ तो एसोसिएट होना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मैं बता चुका हूं और पूरा रिलेटेड कंसेप्ट भी मैंने डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन 12 में क्या है। तो यहां पर ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स, और यहां ए माइनस टू बी की वैल्यू दे रखी है, ये भी एक मैट्रिक्स है, आपको यहां पर मैट्रिक्स ए बताना है। भाई एक काम करो, ये जो पहले वाला इक्वेशन है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, अब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS में, यानी देखो इस तरीके से मिल जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आया इसे आप इस वाले में ऐड कर दो, तो जैसे आप इन्हें ऐड करेंगे, यानी ये देखो यहां पर हम एडिशन करने वाले हैं इन दोनों को, ठीक है, जैसे इन्हें ऐड करोगे तो ये बनेगा 3a, ये देखो माइनस 2b और प्लस 2b तो कैंसिल होगा, यहां पर ये 1, ये 1, ये 2 और ये आपका 1, ठीक है, तो यहां से आपका मैट्रिक्स ए क्या बना, तो 1/3 आ जाएगा इधर, ये 1, 2, 1, 1, बस जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है ना बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो हेयर वी गो क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं क्या बोला गया है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब सुनना, ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे, ये लीस्ट वैल्यू है ना, तो बस जी ये आ गया आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला कंसेप्ट, क्योंकि यहां पर फंक्शन भी आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव शुरू कर दो और चलो जी अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डेरिवेटिव से काम हो जाएगा, लेकिन बहुत ही लंबा होगा। हम लोग यहां पर कैसे करेंगे, देखो बेटा अगर कोई से भी दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इनका अर्थमेटिक मीन ये होता है, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 11th क्लास का कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं फिलहाल। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना। अपने क्वेश्चन में वापस लौटो, पहला नंबर है ए एक्स, दूसरा नंबर है बी अपॉन एक्स, इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा बच्चों, अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन टू। अच्छा, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, तो ए एक्स इंटू बी अपॉन एक्स और ये पूरे का अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन मैंने यहां पर बताई इसके हिसाब से अर्थमेटिक मीन हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहां से ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक है, इस पूरे के नीचे टू, इट हैज टू बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी। ठीक है, यहां न्यूमरेटर में है आपका फंक्शन, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, इस चीज को देखो, यह है फंक्शन,
नीचे 2 है, 2 से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या दोनों ही तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। यानी फंक्शन की वैल्यू 2 टाइम्स अंडर रूट ए भी होगी या इससे बड़ी होगी। तो बस यहां से आपको लीस्ट वैल्यू मिल चुकी है इस फंक्शन की। क्या मिली? कि या तो फंक्शन की वैल्यू 2 टाइम्स अंडर रूट ए भी होगी या फिर इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो बस ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, अपने ब्लैंक में फिल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है? यहां पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले यहां पर एक काम करो, एक्स से ना डिवाइड कर दो दोनों ही तरफ, तो ये मिलेगा देखो इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मिलेगा। अब इसे कंपेयर करो, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, इसके साथ कंपेयर करो, तो यहां से आपको p ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी 2 अपॉन x, ठीक है ना। अब जैसे ही तुम्हें p ऑफ x की वैल्यू मिली तो इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला यानी e टू दी पावर p ऑफ x dx ऐसे होता है, तो यहां बनेगा e टू दी पावर 2 अपॉन x dx। तो क्या बनेगा बच्चों? e टू दी पावर 2 ln of x यानी e to the power ln of x square, यानी finally आपका आंसर आ जाएगा x square इस question के लिए। बात समझ आई? Question number 14 that is done, ठीक है। अब इसका एक alternative भी है, इसको भी देख लो। तो यहाँ पर पूछा हुआ है degree of this differential equation, बहुत ही simple सा question है। यहाँ पर जो भी आपका derivative term है, ये रहा derivative term, तो इसका exponent क्या है? इसका exponent यानी power क्या है? तो 2 है, तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा बच्चों? इसका डिग्री 2 आ जाएगा। लो जी, इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है आप लोगों के लिए? तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या बोला हुआ है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज। तो हमें वेक्टर इक्वेशन लिखना है बेसिकली। देखो फॉर्मूला क्या होगा यहां पर, सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर डायरेक्शन रेशोज लिख लो, ठीक है, द डीआरस ऑफ द लाइन। पहले डीआरस निकाल लो, फिर फॉर्मूला बता देता हूं आपको, ठीक है। तो डीआरस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये आपका क्या बनने वाला है बच्चों, ध्यान से देखना। तो ये 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, ये आपका माइनस 5 और ये 13, जिसे आप लोग चाहो तो ये 2, 5, -13 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि आपके लाइन के पैरेलल हो गया। तो ये रहा जी आपका वेक्टर, ठीक है। और आपके लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आप कंसीडर करते हुए उसे वेक्टर ए की तरह ट्रीट कर लो। तो जैसे मेरा मन हुआ कि इसे हम ऐसे लिखें, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला अब क्या होता है, ये होता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है ना। तो यहां पर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए यानी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 13k कैप। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया। वैसे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर एक डिफरेंट वे से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहां पर ये जो वेक्टर ए है ना, इसकी जगह कुछ और लिखो, तो वो कुछ और क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, तो इसमें क्या बोला हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला हुआ है कि द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस इज, भाई ये परपेंडिकुलर होता है, ये ना परपेंडिकुलर होता है, समझे कि नहीं। देखो ये आपका सपोज L1 है और सपोज ये आपका L2 है, ठीक है, ये स्क्यू लाइंस हैं। तो यहां पर अगर कोई पॉइंट P है और ये देखो इस तरीके से ये कोई पॉइंट Q है, देखो यहां पर ये PQ परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट P ऑन द लाइन L1 एंड एट द पॉइंट Q ऑन द लाइन L2। और ये जो PQ है ये क्या है, तो ये आपका लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बात समझ आई? तो यही तो बात मैंने बताई, इस क्वेश्चन का आंसर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, यही इसने पूछा हुआ था। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने आज का सेशन तो कंप्लीट कर लिया, विच इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द CBSE एग्जामिनेशन ऑफ 2021, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरे लेक्चर, ये सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ना लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स सेशन के साथ। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।